शुरुआत लेकिन हम महाराष्ट्र से करेंगे, जहां की वसूली कांड में आज नया मोड़ आया। अनिल देशमुख ने दोपहर को गृह मंत्री पद छोड़ दिया। 15 दिन से अनिल देशमुख का बचाव किया जा रहा था। यह साफ साफ कहा जा रहा था कि देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन देशमुख पर शरद पवार का मन अचानक कैसे बदला, इसके पीछे बॉम्बे हाईकोर्ट का वो फैसला है जिसमें वसूली कांड की सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया गया। इसके बाद अनिल देशमुख को कुर्सी पर बनाए रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शरद पवार और ठाकरे सरकार को यह पूरा अंदाजा होगा कि अब देशमुख पर देर की गई तो और फजीहत होगी। हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार और खुद अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे, लेकिन इस कानूनी लड़ाई के बीच आज की बड़ी बात यह है कि 100 करोड़ की वसूली कांड की सीबीआई जांच होगी। कैसे? सीबीआई जांच के इस ऑर्डर के 3 घंटे के अंदर अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया, और एनसीपी अब देशमुख के बचाव में क्या कह रही है ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। अनिल देशमुख तो आज भी कुर्सी ना छोड़ते अगर महावसूली कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट सीबीआई जांच को ना कहती, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर ऐसा ही दिया कि कोई चारा बचा ही नहीं, न अनिल देशमुख के पास न शरद पवार के पास। कोर्ट ने बड़ी बात कह दी कि अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगे, वो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, इसीलिए पुलिस से निष्पक्ष जांच की संभावना कम है और सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। देशमुख के खिलाफ पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी में लगे आरोपों को हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर माना और सीबीआई से 15 दिन के अंदर प्राथमिक जांच करने को कहा। 15 दिन के अंदर प्राथमिक जांच करके सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी, और अगर रिपोर्ट में अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है तो फिर सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। जो उच्च न्यायालय है उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने। आप बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश देख लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है अपने आदेश में साफ साफ कि जो आरोप परमबीर सिंह लगा रहे हैं वो कम उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, बहुत गंभीर आरोप है और कॉग्निजिबल ऑफेंस बनता है। प्राइम एफएसआई ऊपरी तौर पर देखने में इसमें ऑफेंस बनता है। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच सौंपी है, और यही वजह है कि अब जब ये पूरी जांच पड़ताल शुरू होगी तो 15 दिनों में ही पता लग पाएगा कि सीबीआई को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। उसके आधार पर वो डिसाइड करेंगे कि एफआईआर रजिस्टर करना है कि नहीं, लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई है, अभी तो बढ़ी है। अब सोचिए, इसके बाद भी अगर अनिल देशमुख मंत्री पद पर बने रहते और मंत्री रहते सीबीआई उन्हें बुलाती, मंत्री रहते उनसे पूछताछ करती, फिर अगर उन पर एफआईआर होती तो इससे शरद पवार और सरकार की कितनी फजीहत होती। इसीलिए सुबह 11:30 बजे जब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया तो इसके 3 घंटे के अंदर अनिल देशमुख के इस्तीफे वाली चिट्ठी भी आ गई। वो शरद पवार से जाकर मिले, फिर सीएम से मिले। इस्तीफे में ये लिखा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। इस आदेश के बाद नैतिक रूप से गृह मंत्री के पद पर बने रहना सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद ही पद छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये नैतिकता पहले क्यों नहीं याद आई? 1-2 दिन नहीं, 15 दिन हो गए इतने बड़े मंत्री पर आरोप लगे, कोई छोटा मोटा आरोप भी नहीं था। 100 करोड़ महीने की वसूली की बात थी, भ्रष्टाचार का मामला था, और आरोप लगाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वो जो इन्हीं मंत्री के रहते मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी रह चुका था। लेकिन इसके बावजूद 15 दिन से पूरी एनसीपी और शरद पवार अनिल देशमुख की दीवार बनकर खड़े थे और बार बार कह रहे थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा। देखिए, मान हम आज भी नहीं रहे हैं कि वो कोई गलत काम उन्होंने किया। हम पहले दिन से हैं कि आरोप वेग है, बेबुनियाद है और कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगाए गए। जुडिशियल इंक्वायरी हमने बैठाई थी, अब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बिठाया है। पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। इसके अलावा एनसीपी के पास अब कहने को कुछ बचा भी नहीं है। अगर तभी अनिल देशमुख को हटाने के लिए कह देते जब परमबीर सिंह की चिट्ठी आई थी जिसमें देशमुख पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई में हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था, मुंबई के 1750 बार रेस्टोरेंट से हर महीने पैसे वसूलने का फॉर्मूला बताया था। अगर ऐसे आरोपों पर तुरंत फैसला होता तो आज ये स्थिति ना होती कि सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर और हाई कोर्ट के कमेंट के बाद देशमुख को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता।
या सीधे तौर से ये कहें कि अनिल देशमुख से इस्तीफा लेने के लिए शरद पवार मजबूर हो गए, क्योंकि ये सबको पता है कि देशमुख पर फैसला तो शरद पवार को ही करना था। विद्या, कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।